हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आ गया। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 20 कैसे बनाते हैं, जो हॉलमार्किंग सेंटर में यूज होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अजीत प्रताप यादव हूँ, मैं हॉलमार्किंग सेंटर की कंसल्टेंसी देता हूँ। जिस ज्वेलर भाई को कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत होती है, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हॉलमार्किंग में क्वालिटी मैनुअल यूज होता है। क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 1-19 मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि मेरे चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट पर अपलोडेड है। मेरे चैनल यूट्यूब के चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड विजिट करिए। वहाँ पे आपको क्या है, गूगल में क्या है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके वहाँ पे सर्च ऑप्शन में अजीत प्रताप यादव या आयुष्मान स्टडी पॉइंट टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आप आ जाएगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्वालिटी मैनुअल पेज नंबर 1-34, वहाँ से जाके आप एक एक वीडियो करके आप देख सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। तो आज मैं या इस वीडियो में पेज नंबर 20 के बारे में डिस्कस करूँगा। पेज नंबर 20 क्वालिटी मैनुअल का कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पेज नंबर 20 क्वालिटी मैनुअल का सेक्शन 3 के अंदर आता है। जैसा कि आप लोग क्वालिटी मैनुअल जब बनाते हैं, तो क्वालिटी मैनुअल में क्या करते हैं, हेडर होता है। हेडर के लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेक्शन 3 होता है, और बीच में आपका सेंटर का नाम लिखा होता है। इसके बाद राइट हैंड साइड में आपके सेंटर का लोगो आता है। इसके बाद आपका जो पेज नंबर 20 है का स्टार्ट होता है, सेंटर फर्स्ट सेलेक्ट द पर्सन एंड पुट हिम हर ऑन ट्रायल फॉर फ्यू डेज। जो भी आपने एम्प्लॉई आपको रखोगे, तो एक पेज बोलता है, इसका पॉइंट नंबर 1 है। तो जो भी कोई आपके एम्प्लॉय स्टाफ रखोगे, उसको पहले ट्रायल बेसिस पे रखो फॉर फ्यू डेज के लिए। इसके ड्यूरिंग दिस पीरियड एसिंग इन चार्ज आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड बेस अपॉन, तो इसके रखोगे तो ऐसे मास्टर उसको क्या रिव्यू करेगा, उसको क्या किस चीज की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, पहला उसको क्या चेक करेंगे, बेस्ड अपॉन उसका बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन क्या है, बेसिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दोगे। उसका नॉलेज क्या है, उसको की बेसिक नॉलेज क्या है, करंट लेवल ऑफ स्किल्स उसकी क्या है, इसके बाद है ग्रास्पिंग पावर, उसकी ग्रास्पिंग पावर क्या है, ओवरऑल पर्सनालिटी रिलेवेंट टू द प्रेजेंट एंड एंटीसिपेटेड टास्क ऑफ द सेंटर, और उसकी पर्सनालिटी कैसी है सेंटर के लिए। फिर नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज देन प्रिपेयर्ड एंड रिकॉर्ड मेंटेन्ड। इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रेनिंग प्लान की जाएगी और उसको ट्रेनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है, सेंटर पुट सच ट्रेनिंग अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ सीनियर स्टाफ मेंबर एंड पीरियडिकली दियर प्रोग्रेस इज रिव्यूड बाय एसिंग इन चार्ज एंड फर्दर फ्रेश इनपुट आर गिवन। तो क्या है, जो भी आपको नए फ्रेशर को रखोगे, उसको एक सीनियर स्टाफ के को की गाइडेंस में रखोगे, उसको ऑब्जर्व करेगा और उसकी क्या इम्प्रूवमेंट आती है, एसिंग इंचार्ज उसको रिव्यू करेगा और उसको अपना फर्दर फ्रेश इनपुट देगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, सीईओ इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग एक्शन टेकन। सीईओ उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा, उसको ट्रेनिंग की नीड को इवेल्युएट करेगा। इसके बाद सिक्स पॉइंट है, सेंटर हैज़ क्लियरली डिफाइंड एंड रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ authority and responsibility and maintaining as current job description for managerial, technical and key support personnel involved in the test within the or within the organization. Each person being aware of the both the extent and in limitation of the his or her responsibility. A set of written instruction is issued to them. The CEO has authorized specific and competent personnel. तो जो भी है आपका, जो आपको वर्क दिया जाएगा किसी को भी, कि तो उसके लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और अ परफॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैम्पलिंग टू, अगर कोई भी सैम्पलर है तो किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैम्पलिंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बंदा चाहिए। फिर एसेइंग के लिए एक स्पेशल एसेइंग का बंदा होगा। टू इशू द टेस्ट रिपोर्ट, टू गिव ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन एंड ऑपरेट बैलेंस एंड अदर इक्विपमेंट। जो भी उसके नॉलेज और स्किल्स और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उसको क्या है, वर्क दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेवन पॉइंट, द रिकॉर्ड ऑफ द रिलेवेंट अथराइजेशन कॉम्पिटेंसी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एंड स्किल ऑफ टेक्निकल पर्सनल इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टेड पर्सनल आर मेंटेन। आपका जो भी जितने स्टाफ होंगे, जो भी एसिंग इंचार्ज होगा, क्वालिटी मैनेजर होगा, सैम्पलर होगा, उनका सबका एक प्रॉपर रिकॉर्ड
रखा होना चाहिए आपके सेंटर पे। सेंटर नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटर इंश्योर दैट इन द दिस इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल एंड इट इंक्लूड डेट ऑन विच ऑथराइजेशन एंड कंप्लीटनेस इज कन्फर्म। आप उनको किस डेट को उनको आपको ऑथराइजेशन दिया डेट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, द सेंटर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द रिलेवेंट ऑथराइजेशन कंप्लीशन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग स्किल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द टेक्निकल पर्सन। जितने भी टेक्निकल पर्सन हैं आपके सेंटर को उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन ट्रेनिंग का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द सेंटर है इंश्योर दैट पर्सनल ऑफ द सेंटर ऑब्जेक्ट प्रोफेशनल सीक्रेसी। तो क्या आपके सेंटर के में एक प्रोफेशनल सीक्रेसी होनी चाहिए। मतलब प्रोफेशनल सीक्रेसी का मतलब क्या है कि आपको इंटरनल वर्क कैसे होता है बाहर किसी को बताना नहीं है। फिर हमारा स्टार्ट होता है 5.3 ऑफ द IS 15820-2009 और क्लॉज नंबर हमारा 3.3 ऑफ द क्वालिटी मैनुअल एकोमोडेशन एनवायरमेंटल कंडीशन। फिर द सेंटर फॉलो द प्रोसीजर टू फैसिलिटेट करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट बाई द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फैसिलिटी फॉर एसिंग एंड हॉलमार्किंग इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एनर्जी सोर्स लाइटनिंग एनवायरमेंट कंडीशन। जैसे कि आपका एनवायरमेंटल कंडीशन आपका मेंटेन XRF लेजर के लिए आपका AC होना चाहिए, तो आपका पास AC होना जरूरी है। द सेंटर हैज़ बेल मेंटेन बिल्डिंग विद फैसिलिटी फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग वाटर सुटेबिलिटी ऑफ इल्यूमिनेटेड एंड वेंटिलेटेड द एनवायरमेंट कंडीशन सुटेबल फॉर वर्किंग सेल बी मेंटेन। इट आल्सो बी स्पेस सेपरेटर फॉर ईच ऑफ ऑपरेशन फॉर फायर सेफ्टी क्लोज सर्किट TV सिस्टम आर फॉर सिक्योरिटी इरोनोमिकली डिजाइन हुआ टेबल सीटिंग अरेंजमेंट एंड अप टू डेट कम्युनिकेशन आउटपुट एंड अरेंजमेंट दी फैसिलिटी आर इंश्योर करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ हेस। जैसा कि आपको देखने के लिए अगर आप एक होलमार्क सेंटर बना तो आपके पास पूरी फायर सेफ्टी होने चाहिए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होने चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई होने चाहिए, वाटर रनिंग वाटर सप्लाई होने चाहिए, फायर सेफ्टी होनी चाहिए। तो आपका टेबल्स चेयर्स होनी चाहिए प्रॉपर सबको बैठने के लिए, नहीं कि ऑफिस में कोई बंदा खड़ा है खड़े होने से काम नहीं चलेगा। आपके प्रॉपर टेबल वर्किंग टेबल चेयर्स डिजाइनिंग होने चाहिए आपको, अगर विदाउट इसके बिना काम नहीं चलेगा तो ये क्या था। और आपको प्रॉपर स्पेस होना चाहिए बैठने का, सारे सेक्शन सेपरेटेड होने चाहिए आपके पास। अगर ये नहीं है तो आपको ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जय हिंद जय भारत।